तो ये जो स्कॉर्पियो आप देख रहे हो 6,25,000 में आपको मिल रहा है, ये वाली स्कॉर्पियो जो मैंने आपको दिखाई है 5,11,000 में। इसमें की थोड़ी ओल्ड मॉडल भी हम लोग दिखा रहे हैं कि जो अफोर्ड ना कर सकते हैं महंगी गाड़ी, उनके लिए भी स्कॉर्पियो हो जाए। सर ये गाड़ी जो है स्कॉर्पियो S10 है, ठीक है, 2017 की। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग, उम्मीद है अच्छे होंगे। तो इससे पहले भी मैंने यहाँ साई मोटर्स का आपको वीडियो दिखाया था जिसको आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, 1,00,000 से भी ऊपर व्यूज़ हो चुके हैं। तो मैंने सोचा है क्यों ना आपको नई कलेक्शन दिखाऊं यहाँ का। तो आप देख सकते हो आज भी स्कॉर्पियो की लंबी चौड़ी लाइन लगी हुई है। आप देख सकते हो बीच में फॉर्च्यूनर भी है, वहाँ भी स्कॉर्पियो है, यहाँ भी स्कॉर्पियो और उस ओर भी स्कॉर्पियो आप देख सकते हो लगी हुई है। तो आज बहुत ही अच्छी स्टॉक होने वाली है। और अगर आपको चाहिए था स्कॉर्पियो तो इस वीडियो को आखिरी तक आप देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने चीप रेट की भी अच्छी स्कॉर्पियो कवर की है और ऊंचा मॉडल भी कवर किया है। तो मतलब अगर आपको स्कॉर्पियो लेना है तो स्कॉर्पियो का लेने का सपना आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा हो पाएगा। रेट बहुत रिजनेबल है यहाँ पर, आप वीडियो को देखते जाइएगा तो आपको समझ में आएगा। एड्रेस और फ़ोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी मैं भैया से पूछ भी लूँगा। तो साई मोटर्स के कलेक्शन को अभी हम लोग देखते हैं और जानते हैं यहाँ के सेल्स एग्जीक्यूटिव से कि क्या है यहाँ पे रेट, क्या है यहाँ पे लोन फैसिलिटी, वो सारा कुछ हम लोग कंफर्म कर लेंगे। तो चलिए आज के खास वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपको पिछली दफा का याद हो तो पिछली बार जब हमने साई मोटर्स का वीडियो बनाया था तो हमारे गाड़ी का पूरा डिटेल देने में हेल्प किए थे प्रीतम भाई। तो भैया फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू भैया, एक बार हमारे व्यूअर्स को हाय कर दीजिए भैया। हाय। हाँ जी, तो भैया कैसे हो आप अभी? अच्छे हैं भैया, एकदम बढ़िया। लॉकडाउन कैसा भी था आपका, थोड़ा हमें बताइए। थोड़ा तो डाउन रहा। थोड़ा डाउन रहा। आज हमें भैया कौन सी गाड़ी की रेंज आप दिखाने वाले हो? अभी आज आपको हम स्पेशल स्कॉर्पियो दिखाएंगे। स्पेशल स्कॉर्पियो, और कितनी स्कॉर्पियो रहने वाली है हमारे भाइयों के लिए? वही 7-8 गाड़ी उसमें रहेगा। 7-8 गाड़ी, तो मतलब गाड़ी तो बहुत सारी है, फिलहाल 7-8 गाड़ी दिखा। हाँ जी, 7-8 गाड़ी हम लोग स्कॉर्पियो आज की वीडियो में दिखाने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे भाइयों का डिमांड आ रहा था कि स्कॉर्पियो दिखाइए। तो मैंने सोचा क्यों ना 7-8 गाड़ी स्कॉर्पियो ही दिखाई जाए, और प्रीतम भाई ने कहा कि भाई अभी स्टॉक भी है तो चलिए दिखाई देते हमारे व्यूअर्स को। पहली गाड़ी भैया कौन सी आप दिखाने वाले हैं? सबसे पहले सर दिखाएंगे आपको S2। ठीक है, कौन से साल की है भैया ये? ये सर 2017 की है। 2017 की गाड़ी है। किलोमीटर कितनी चली हुई है? किलोमीटर सर 33,000 चली हुई है। 33,000, तो 33,000 किलोमीटर चली हुई है। गाड़ी का कंडीशन आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। टायर भी आप देख लीजिए, फ्रंट प्रोफाइल की अगर हम लोग बात करें, BR01 पटना नंबर गाड़ी आ रही है ये। थोड़ा सा इधर से मैं चलूँगा, इस ओर से दिखाऊँगा और साथ में आपको इंटीरियर भी दिखा दूँगा। माफ़ कीजिएगा अगर थोड़ा आपको इंटीरियर में सही से ना दिखा सकूँ, क्योंकि थोड़ा कंजस्टेड है। सोनी की म्यूजिक सिस्टम है, बाकी आप इंटीरियर देख लीजिए, वाइट फिनिशिंग है, ऊपर भी आप देख लीजिए। तो कुछ इस तरह का इसका इंटीरियर है, बाकी भैया ने डिटेल दे दिया है। भैया ये S2 आपने बताया, जी जी, क्या माइलेज निकालता है भैया हमारा S2? माइलेज वही कम से कम 12 प्लस रहेगा। 12 प्लस, जी जी, 12 प्लस आपको माइलेज मिल जाएगा। डिमांड क्या रखा है भैया आपने? इसका प्राइस है 9,00,000 रुपये। 9,00,000 रुपये, तो 9,00,000 रुपये में आपको S2 मिल रहा है। कौन से साल का आपने बताया था भैया? 2017 की। 2017 की, मतलब बहुत ऊंचा मॉडल है। अभी हाल ही में मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें आपको रेट अगर कंपेयर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा अच्छे रेट में ये गाड़ी आपको मिल रही है। तो ये थी भैया हमारी आज की पहली गाड़ी। अगली गाड़ी भैया कौन सी आप दिखाने वाले? अगला गाड़ी सर अभी आपको दिखाएंगे S10। तो यहाँ पे आप जो ये गाड़ी देख रहे हो ये S10 है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल लेंगे भैया से, जानेंगे कि कितना चला हुआ है, क्या है कंडीशन इसका। नंबर से तो देख के पता चल रहा है कि ये भी पटना रजिस्ट्रेशन गाड़ी है, डिटेल भैया हमें बताएंगे विस्तार से। तो आप देख लीजिए, पहले टायर की कंडीशन मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर अभी भैया से हम लोग पूछते हैं कि कितना किलोमीटर चला हुआ है भैया ये। सर ये गाड़ी जो है स्कॉर्पियो S10 है, ठीक है, 2017 की है। ये भी 2017 है, ठीक है भैया। गाड़ी फर्स्ट ओनर है, फर्स्ट ओनर गाड़ी। गाड़ी जो चली हुई है आपको 45,000 के अप्रॉक्स में चली। 45,000, तो 45,000 के अप्रॉक्स में चली हुई है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है ये। इसका भी भैया माइलेज तो आसपास में ही आएगा जो आपने S2 का बताया आपको। 11-12, तो 11-12 का इंजन है, एमहॉक इंजन है, एमहॉक इंजन गाड़ी है। आपको टायर मैंने दिखाई दिया, साइड से आप गाड़ी को देखिए और फटाफट से मैं आपको S10 का दिखा देता हूँ कि कैसा है इसका इंटीरियर। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे पावर विंडो वगैरह मिल रहा है, टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम है, और लग्जरी आपको मिलेगा फील जब आप इस गाड़ी में बैठे हुए, क्योंकि ये S10 है तो इसका थोड़ा सा इंटीरियर भी काफ़ी कमाल का होता है। एक चीज़ मुझे जाननी थी भैया, यहाँ पे फाइनेंस फैसिलिटी का क्या सीन है?
फाइनेंस पे गाड़ी हो जाएगा, बस कस्टमर का सिविल सही होना चाहिए, सिविल स्कोर सही होना चाहिए जी, जी। तो जैसा कि भैया बता रहे हैं कि सिविल स्कोर सही होना चाहिए, फाइनेंस पे भी गाड़ी मिल जाएगा। 2017 मॉडल S2 का आपने रेट बताया, 2017 मॉडल S10 है ये, क्या डिमांड है भैया? 12-25 नेगोशिएशन के चांसेस हैं? हो जाएगा सर, हो जाएगा। तो ये S10 आपको 12,25,000 में मिलेगा, थोड़ा बहुत नेगोशिएशन आप करा लेना। तो ये बात है हमारी स्कॉर्पियो S10 की। तो आइए अगली गाड़ी की हम लोग बात करते हैं। आपको हमने दिखाया 2017 मॉडल S2 और S10, ये है भैया हमारी तीसरी स्कॉर्पियो, डिटेल क्या रहने वाली है? सर ये स्कॉर्पियो है 2016 का S2 है, ठीक है भैया, गाड़ी फर्स्ट ओनर है। गाड़ी जो चली हुई है आपको 58,000 का प्रॉफिट। और ये ओनर फर्स्ट है? फर्स्ट ही है सर। S2 आपने बताया जी, बिहार शरीफ का मॉडल है। ओके, आप देख लीजिए बिहार शरीफ का नंबर है BR21। और आप देख सकते हो यहाँ पे फॉग लैंप वगैरह सारा कुछ लगा हुआ है, क्रोम फिनिशिंग भी है, डोर वाइजर वगैरह मुझे दिख रहा है। मैं आपको अगर इंटीरियर की ओर लेकर चलूँ तो उसके पहले आप पहले देख लीजिए टायर, और साथ में मैं आपको इंटीरियर भी दिखा दूंगा अभी, क्योंकि बहुत सारे भाई लोग कंप्लेन करने लगते हैं अगर इंटीरियर ना दिखाओ तो। तो आइए इसका भी इंटीरियर देख लेते हैं हम। तो सोनी का म्यूजिक सिस्टम इसमें भी है, बाकी आप इंटीरियर देख लीजिए। आज हम आपको स्कॉर्पियो ही दिखा रहे हैं, तो हर एक स्कॉर्पियो में क्या फैसिलिटी है बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी पता है। तो डिटेल भैया ने दे दिया है, 2016 मॉडल S2 भैया, इसका क्या रेट आपने लगाया है? इसका प्राइस है सर आपको वही 8,71,000 रुपये। 8,71,000 रुपये, तो आप देख सकते हो रेट काफ़ी अच्छा यहाँ पे दे रहे हैं। तो तीसरी स्कॉर्पियो ये जो है आपको मिल रहा है 8,71,000 रुपये में, नेगोशिएशन के चांसेस भैया? जी हो जाएगा, हो जाएगा। ये बात है कि हमारी 2016 मॉडल S2 की। तो आइए अगले स्कॉर्पियो की हम लोग बात करते हैं। तो भैया इस वाले स्कॉर्पियो के बारे में हमें थोड़ा बताइए। सर ये गाड़ी स्कॉर्पियो था, पुरानी मॉडल है, ठीक है, 2009 का मॉडल जी, ठीक है भैया, 2009 की SLE है, ये SLE है, M-Hawk इंजन है, M-Hawk इंजन के साथ में, मतलब माइलेज भी अच्छा और इंजन भी अच्छी है जी, जी। हाँ जी, तो 2009 की गाड़ी है, किलोमीटर पे अगर हम लोग जाए भी है तो कितना चला हुआ? 60,000 के लगभग चला हुआ, 60,000 के लगभग में चला हुआ है। टायर आप देख लीजिए, ऑनर भी है थोड़ा सा हमें बताइए। ऑनर फर्स्ट है सर, ये फर्स्ट ऑनर गाड़ी है। तो फर्स्ट ऑनर गाड़ी है जैसा कि प्रीतम भाई हमें बता रहे हैं, आप देख लीजिए इस ओर से भी गाड़ी को, और हम लोग थोड़ा चलेंगे इंटीरियर देख लेंगे। तो आइए मैं आपको इंटीरियर दिखा लेता हूँ। तो ये देखिए 2009 की गाड़ी है, लेकिन आप कंडीशन आप देख सकते हो, सीट वगैरह आई थिंक नई डली हुई है। तो भैया सीट यहाँ पे नई डलाई गई है। हाँ जी, तो गाड़ी आपको एकदम रेडी करके मिलेगा, 2009 की गाड़ी है, 60,000 अप्रॉक्स में चला हुआ है, SLE आपने बताया भैया जी, जी। क्या डिमांड रखा है भैया? 5,11,000। 5,11,000, उसमें थोड़ा कम हो जाएगा भैया? सर कसम खा के बैठेंगे तो गाड़ी थोड़ी नहीं बिकेगा। तो जैसा कि भैया बता रहे हैं कि कसम खाकर थोड़ी ना इन्होंने बैठा हुआ है, कि एकदम से जो फिक्स रेट भैया ने बताया उतने पे ही देंगे। तो 5,11,000 प्रीतम भाई ने बताया है, उसमें आप आकर थोड़ा बहुत कम करा लीजिएगा। अगली स्कॉर्पियो भैया? ये सर अगली स्कॉर्पियो ये रहा आपको 2013 का EX है, ठीक है, गाड़ी फर्स्ट ऑनर है, फर्स्ट ऑनर गाड़ी, गाड़ी जो चली हुई है वो 62,000 चली हुई है, 2012 की है। वेरिएंट कौन सा? 13। वेरिएंट कौन सी है भैया? EX है, EX आई है। तो भैया ने सारा कुछ डिटेल दे दिया है, देख लीजिए टायर वगैरह भी आप देख लीजिए, और इस ओर से भी गाड़ी को आप देख लीजिए, थोड़ा सा उस ओर चलेंगे और देखेंगे इंटीरियर, और भैया से थोड़ा बहुत इसमें जानने की भी कोशिश करेंगे कि क्या कुछ फीचर हमें भैया मिल रहे हैं इंटीरियर में, क्योंकि ये 2013 की गाड़ी है, क्या कुछ भी हमें मिलेगा इसमें? सर ये स्कॉर्पियो EX में क्या होता है आपको, यही बाद में S2 बन गया है। ओके, EX में क्या होता है, चारों पावर विंडो अलग से लगवाया गया है। लगवाया गया है जी जी। हाँ जी, तो अपडेटेड कराया हुआ है, सीट वगैरह भी अच्छी कंडीशन में है जी जी। तो भैया इसमें भी बस हमें सर्विसिंग करानी होगी या फिर एक्स्ट्रा कुछ खर्च है इसमें? बस सर्विसिंग करवाइए, बस सर्विसिंग, हाँ, सर्विसिंग करवाइए, गाड़ी चलाइए, ठीक है। तो 2013 की स्कॉर्पियो EX है, डिमांड भी हमारे व्यूअर्स को बताइए थोड़ा। 6,25,000। तो ये जो स्कॉर्पियो आप देख रहे हो 6,25,000 में आपको मिल रहा है, ये वाली स्कॉर्पियो जो मैंने आपको दिखाई है 5,11,000 में, इसके पहले भी मैंने ये स्कॉर्पियो दिखाया और इधर भी भैया ने स्कॉर्पियो दिखा दिया है। तो जैसा कि प्रीतम भाई ने आपको बताया कि आज हम लोग बस आपको स्कॉर्पियो की ही सीरीज दिखाने वाले हैं, जिसमें कि थोड़ी ओल्ड मॉडल भी हम लोग दिखा रहे हैं, कि जो अफोर्ड ना कर सकते हैं महंगी गाड़ी उनके लिए भी स्कॉर्पियो हो जाए, और हम लोग एस क्लास भी दिखा रहे हैं, मतलब S2, S5, S10 जो भी है। तो आज हम लोग के पास एक और ये स्कॉर्पियो ओल्ड शेप में है, बाकी आप देख ही सकते हो हमने आपको इतनी सारी गाड़ी दिखाई है, उधर भी जो स्कॉर्पियो लगी है वो भी दिखा दिया है। तो प्रीतम भाई से इस वाले भी स्कॉर्पियो के बारे में हम लोग जानेंगे, तो प्रीतम भाई थोड़ा हमें बताइए इस स्कॉर्पियो के बारे में। सर ये स्कॉर्पियो आपको है LX, 2014 मॉडल है। ओके, ऑनर फर्स्ट है, ऑनर फर्स्ट है, गाड़ी जो चली हुई है वो आपको 52,000 के अप्रॉक्स में चली हुई है, 52,000 के अप्रॉक्स में चली हुई है, ऑनर फर्स्ट है। आप देख लीजिए गाड़ी को सामने से, BR01 पटना नंबर गाड़ी है, क्रोम वगैरह सारा कुछ लगा हुआ है। साइड में भी अगर आप देखिएगा तो टायर पहले आप देख लीजिए और साइड प्रोफाइल गाड़ी का आप देखिएगा तो साफ सुथरी गाड़ी है, मुझे स्क्रैचेस भी नहीं दिख रहे उतने कुछ। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ इंटीरियर इस गाड़ी का,
थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा है क्योंकि गाड़ी बहुत सारी है, लेकिन आप देख लीजिए सोनी का म्यूजिक सिस्टम है, बाकी सीट की भी कंडीशन आप देख सकते हो, पावर विंडो इसमें भी आपको मिलेगा। तो भैया ने काफ़ी अच्छे से डिटेल दिया है हर एक स्कॉर्पियो का आज, तो इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जानेंगे भैया से कि सारा कुछ आपने भैया बता दिया। क्या डिमांड है भैया इस गाड़ी का? 6,75,000। 6,75,000, तो 6,75,000 में आपको ये वाली स्कॉर्पियो मिलेगी। एक हमने 5,00,000 की भी स्कॉर्पियो दिखाई, 5,00,000 समथिंग था, एक वहाँ पे 6,00,000 की दिखाई, ये 6,00,000 की दिखाई। तो मतलब अगर आपका सपना था स्कॉर्पियो लेने का और बजट की वजह से आप नहीं ले पाते थे, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है 5,00,000 का भी स्कॉर्पियो, 6,00,000 का भी स्कॉर्पियो, 2017 मॉडल की भी कुछ स्कॉर्पियो मैंने दिखाई है। तो मतलब आपका स्कॉर्पियो लेने का सपना इस वाले वीडियो से ज़रूर पूरा हुआ होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगे आपको वीडियो, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग इसी तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं जिसमें कार मार्केट और बाइक मार्केट को कवर करते हैं। एक बार हम लोग थोड़ा सा प्रीतम भाई से जानेंगे कि क्या है यहाँ का एड्रेस और क्या है यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर, ताकि आप यहाँ पे आके गाड़ी खरीद भी सको और साथ में इंक्वायरी भी ले सको इन सारी गाड़ियों का कॉल करके। तो एक बार हम लोग प्रीतम भाई से कॉन्टैक्ट नंबर जान लेते हैं, याद है ना? हाँ। तो भैया एक बार हमारे व्यूअर्स को यहाँ का एड्रेस पहले बताइए और साथ में कॉन्टैक्ट नंबर भी बता दीजिएगा। सर मेरे श्री साई मोटर्स में आने के लिए दो रास्ता है, ठीक है? अगर आप बोर्डिंग रोड चौराहे की तरफ से आते हैं तो सबसे पहले बोरिंग रोड चौराहे पे आने के बाद आपको कटना है पंचमुखी हनुमान मंदिर के लिए, ठीक है भैया? वही रोड जाती है आगे राया पुल। तो जैसे ही बोरिंग रोड चौराहा से आप राया पुल की तरफ आगे बढ़ेंगे तो चौराहा से कुछ दूर ही के बाद आपको मिलेगा भारत पेट्रोल पंप, भारतीय पेट्रोलियम। ओके, भारतीय पेट्रोलियम से 3-4 दुकान और आगे बढ़िएगा ना, हाँ जी, तो आपको मिलेगा वाहन प्रदूषण जांच केंद्र, ठीक है भैया? उसी के बगल में है एपीबी कॉम्प्लेक्स जिसमें श्री साई मोटर है, जिसमें श्री साई मोटर्स है। तो काफी अच्छे से भैया आपने एड्रेस बताया, एक बार कॉन्टैक्ट नंबर हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। दूसरा जाने वाला रास्ता इसे दूसरा ही बताइए। हाँ। तो ये तो भैया बात है कि हमारे पहले जो एड्रेस पे पहुंचने का रास्ता है। हाँ। दूसरा रास्ता एक बार बताइए। दूसरा रास्ता हो गया अगर आप राया पुल की तरफ से आते हैं, ठीक है? तो राया पुल से आपको बोर्डिंग रोड चौराहा की तरफ आना है। तो राया पुल से आगे बढ़ने के बाद आपको मिलेगा रास्ते में पंचमुखी हनुमान मंदिर, हाँ जी, पंचमुखी हनुमान मंदिर से वही 15-20 दुकान आगे बढ़िएगा, ठीक है? तो आपको मिलेगा विष्णु पैलेस, विष्णु पैलेस से ठीक अपोजिट मेरा ऑफिस है श्री साई मोटर, हाँ जी। तो ये दूसरा वाला भी एड्रेस, दूसरा वाला भी रास्ता भैया ने बता दिया है श्री साई मोटर्स पे पहुंचने का। कॉन्टैक्ट नंबर पे भैया थोड़ा सा हम लोग कॉन्टैक्ट नंबर हो गया सर 7061, ठीक है? कोई बात नहीं, आप याद कर लीजिए, बस वहीं पर रहिए सर, 4297 5, ठीक है? तो भैया ने कॉन्टैक्ट नंबर भी बता दिया है। तो ऐसे ही अगर आपको और भी अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भैया के स्टॉक को आप एक बार आके चेकआउट कीजिए, आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो भैया बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से दिया आपने।